हेलो स्टूडेंट, इससे पहले जो हमारे टॉपिक थे वो जनरेशंस पे चल रहे हैं, उसका हमने फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट पूरा बना दिया है। आप चाहो तो उस हमारे जो हमारा यू चैनल है इस पे जाके सब्सक्राइब करके आप उसको चेक कर सकते हैं। ये प्लेलिस्ट में आप दोनों को सीरीज़ को देख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं, क्योंकि ये इस टॉपिक से बहुत एक एक नंबर दो दो नंबर से आप काफ़ी क्वेश्चंस को अचीव कर सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चंस जो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हम थर्ड जनरेशंस को डिस्क्राइब करेंगे। ये ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं रहेगा, बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी चीज़ें रिप्लेस हुई थी सेकेंड और फर्स्ट जनरेशंस की। और इसमें आपका इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि क्या रिप्लेस हुआ था फर्स्ट जनरेशन से और सेकेंड जनरेशन में, इसमें क्या रिप्लेसमेंट हुआ था। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारे थर्ड जनरेशन थी वो 1965 से 1971 के बीच में इसका पूरा प्रोसेसर रहा है। तो 65 से 71 के बीच में ये रहा है। तो इसमें जो हमारा जो ट्रांजिस्टर था सेकंड जनरेशन में, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन को रिप्लेस किया था ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब को, और जो ट्रांजिस्टर था उसको रिप्लेस किया है थर्ड जनरेशन में आईसी ने। तो आईसी जो है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट है, उसकी फुल फॉर्म आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट है। वो एक बहुत छोटी इक्विपमेंट होती है इस तरह से, आप इसको आईसी को इस तरह से देख सकते हैं, एक छोटी सी सर्किट होता है इस तरह से, एक आईसी होती है हमारी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि जो हमारा कंप्यूटर का साइज था वो साइज़ का बहुत बिग साइज़ होता था हमारा सेकंड जनरेशन में और फर्स्ट जनरेशन में, और इसको स्मॉल साइज़ करने में सबसे बड़ा और सबसे इफ़ेक्टिव जो रोल प्ले किया है वो हमारा क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट ने, यानी कि आईसी ने। आईसी बहुत छोटी है होती है, और अगर वैक्यूम ट्यूब की बात की जाए, ट्रांजिस्टर की बात की जाए, तो वो थोड़े बड़े होते हैं, उनकी वो उनके साइज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते थे, और ये इतना यूज़ किया ज़्यादा इंटीग्रेटेड सर्किट नहीं लगाए जाते थे एक सिस्टम के अंदर। तो इससे हमारा कंप्यूटर का साइज़ भी रिड्यूस हुआ है। तो इसकी बात की जाए कि इसकी कॉस्ट कितनी थी, तो ये जो सिस्टम था थर्ड जनरेशन का बहुत लो कॉस्ट थी, क्योंकि आईसीज ज़्यादा महंगे नहीं मिलते थे। तो जनरल पर्पस सिस्टम भी जनरल जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए सिस्टम खरीद सकते थे, इजीली अफोर्डेबल होते थे। नेक्स्ट हमारी बात आती है कि बिग स्टोरेज कैपेसिटी। अगर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बात की जाए तो ड्रम एक स्टोरेज कैपेसिटी होल्डर था, जहाँ पर सिस्टम को जितने भी कैपेसिटी होती थी स्टोरेज की वहाँ स्टोर किया जाता था। सेकंड जनरेशन में आपका जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स के साथ में जो आपके हम क्या बोलते थे उसको, अभी क्या चेंज किया था हमने कि आईसी को किसने चेंज किया था, ट्रांजिस्टर ने। तो वहाँ पर जो यूज़ किया जाता था ट्रांजिस्टर ने, उसको चेंज किया था इंटीग्रेटेड सर्किट को। तो सर्किट इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो हमारा ट्रांजिस्टर रिप्लेसमेंट में आया थर्ड जनरेशन में। तो वहाँ पर जो स्पेस की बात की जाए, स्टोरेज की बात की जाए, तो वो आपका वहाँ पर यूज़ होता था। सेकेंड जनरेशन में जो हम बात करें, बिग स्टोरेज आ गए थे आपके डिवाइसेस आ गई थी, जहाँ पर आप सेकेंडरी स्टोरेज को यूज़ करते थे। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती हैं, जो हमारे डिवाइसेस होती हैं जहाँ पर हम डेटा को मूव करा सकते हैं। जैसे सेकेंडरी स्टोरेज की बात की जाए, तो आपको पता है कि मोबाइल में एक्सटर्नल स्टोरेज होती हैं, चिप जिसको बोलते हैं, आप उसको डेटा को कहीं भी मूव करा सकते हैं, या हार्ड डिस्क होती हैं, उनको भी हम मूव कर सकते हैं, कहीं भी एक पोजिशन से दूसरी जगह हम ले जा सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी डेटा आपका बिग कैपेसिटीज में आ गया था। नेक्स्ट आता है, इसमें जो अब तक था हमारा डेटा, हम किसी सिर्फ़ और सिर्फ पंच कार्ड की हेल्प से यूज़ कर रहे थे, या फिर हम ट्रांजिस्टर की हेल्प से यूज़ कर रहे थे। इस जो ओवरऑल जो सिस्टम है थर्ड जनरेशन में, इसमें कीबोर्ड और माउस का इन्वेंट हो गया था। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे थे कीबोर्ड और माउस। इसमें ये भी क्वेश्चन आपसे अराइज हो सकता है कि क्वेश्चन अराइज दैट इज़ अ कि माउस और कीबोर्ड किस जनरेशन में यूज़ हुए थे, या किस जनरेशन में वो यूज़ होने वाले थे। तो ये हमारा क्वेश्चन होता है, आंसर आता है क्वेश्चन का कि थर्ड जनरेशन में हमारा माउस और कीबोर्ड का यूज़ होने लगा था। तो माउस और कीबोर्ड का यूज़ इजीली हमारा कहाँ हुआ था, एज ए इनपुट हम वहाँ यूज़ करते थे थर्ड जनरेशन में। जो हमारा थर्ड जनरेशन है वहाँ पर हम यूज़ कर रहे थे कीबोर्ड और माउस यूज़ कर रहे थे थर्ड जनरेशन के अंदर। नेक्स्ट हमारा आता है कि ये आईसी जो चिप्स हैं, आर द
डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, यानी कि अगर सपोज़ करो अगर एक आईसी ख़राब हो जाए तो उसको मेंटेन करना बहुत पॉसिबल नहीं था। अगर आईसी ख़राब हो जाएगी तो सिस्टम को दोबारा से रिप्लेस करना पड़ता था, या आईसी यानी कि आईसी आपको चेंज करनी पड़ती थी। तो इसका जो बहुत ज़्यादा रोल था कि अगर आईसी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट कंज्यूम करती थी तो हीट से बहुत जल्दी ख़राब हो जाती थी आईसीज हमारी, तो ये रिप्लेसमेंट बहुत जल्दी जल्दी होती थी। तो यहाँ पर डिफ़िकल्टी हो जाती थी कि इनको मेंटेन करना बहुत इजी नहीं था, ये मेंटेन करना बहुत इजी इसलिए नहीं था क्योंकि ये हीट को ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी और ब्रेक हो जाती थी। तो ये यहाँ पर हमारे थर्ड जनरेशन के क्वेश्चंस आते हैं। तो थर्ड जनरेशन में क्या है कि आपसे पूछ लेंगे कि इसमें कौन से सर्किट्स यूज़ होते हैं या क्या। तो यहाँ पर आईसी चिप्स आ गई थी, आईसी चिप में आपका क्या है तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स आपके यूज़ होने लगे थे। इसकी कैपेसिटी क्या थी, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो वेरी बिग कैपेसिटी हो गई थी, इसकी जो कॉस्ट थी वो बहुत स्लो आपकी लो कॉस्ट थी इसकी। और यहाँ पर जो थर्ड जनरेशन में है आपकी माउस कीबोर्ड यूज़ होने लगे थे, और जो चिप की थी उनकी मेंटेन जो करने की क्वांटिटी थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि इसमें आपके चिप जो थी वो बहुत ख़राब हो जाती थी, वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम नहीं कर पाती थी। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, और ये आपके वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए, ओ लेवल के लिए, CCC के लिए। थैंक यू स्टूडेंट।